नमस्कार, अमेजिंग वेबसाइट ऑफ इंडिया के सेकेंड एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। आज हम ऐसे ही अमेजिंग वेबसाइट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये वेबसाइट अगर देख ये सही मायने में एक अमेजिंग वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट को हम एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे एक लॉगिन सेक्शन दिया हुआ है, आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन में लैंग्वेजेस दिए हैं, आप इस लैंग्वेजेस का चयन कर सकते हैं। NDLI क्लब दिया हुआ है जहाँ पे आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस क्लब में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे स्कूल्स नेक्स्ट दिया हुआ है, CBSE एग्ज़ाम प्रायोरिटी, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट, ऐसे मेनू दिए हैं। अगर हम यहाँ पे साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस से रिलेटेड कॉमन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर्स, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। अगर मैं कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है। अगर मैं वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मेनू सामने आ जाता है कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कितने वीडियोस है, और यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। अगर मैं यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो कंटेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो आप जिस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं वो वीडियो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ब्राउज मेनू दिया है, ब्राउज मेनू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय टाइप, बाय सब्जेक्ट, आप यहाँ पे बाय सोर्स और बाय लर्निंग रिसोर्सेस, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बाय टाइप पे मैं क्लिक करता हूँ तो बाय टाइप पे क्लिक करने के बाद कई सारा डिफरेंट जो कंटेंट है वो टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म, ऑडियो, प्रेजेंटेशन, सिमुलेशन, एप्लीकेशन, एनिमेशन, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। खाली आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अगर टेक्स्ट की संख्या देखी जाए तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। टेक्स्ट कंटेंट में अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले एजुकेशनल लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लेवल्स दिखाई देगा, फर्स्ट क्लास से लेके आप UG एंड PG तक के सारे कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। क्लास की बात करें तो इस क्लास पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो सारा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे उससे रिलेटेड अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड है इमेजेस के बारे में बात करते हैं। इमेजेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सेम वही मेनू सामने आ जाता है। इसमें भी एजुकेशन लेवल, ऑथर, एक्सेस रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। वीडियो कंटेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सेम वही मेनू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे सोर्सेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट सोर्सेस दे रखे जहाँ से कंटेंट लिया गया है। इस तरह से आप इन सारे मेनूज को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वेबसाइट को आपको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसका एक एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है जो आपके मोबाइल में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी जो वेबसाइट पे प्रोवाइड की है वो सारा आपके मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं।